नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा लुसेंट का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक अच्छा सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हम लोगों ने लगभग 400 सवाल जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज फिर मैं आप सबके साथ 200 सवाल जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो आपका लुसेंट का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार कॉन्स्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो सब में ये सवाल आपको बहुत ही फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसकी फिक्र आप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो आपका लोथल था। अगला सवाल है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, पामीर या तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला सवाल है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। अगला सवाल है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। क्यों 17 मीटर होना चाहिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए। अगला सवाल है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो भारत की प्रथम महिला जो थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, वो थी रीता फाड़िया। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। अगला सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है। तो लिटिल अमेरिका नामक स्थान जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, आपका किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का। अगला सवाल है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं। अगला अगला सवाल है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, लाल, हरा और नीला को। आपका अगला सवाल है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला सवाल है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो किस धातु का मिश्रण होता है, टीना, टीन वे सीसा। अगला सवाल है, ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा जो है ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही थी। अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो चार्ल्स डार्विन थे। अगला सवाल है, सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो सीने बार पारा या मरकरी का अयस्क है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। अगला सवाल है,
मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला सवाल है आपका, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकन की बनी होती है। अगला सवाल है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? आप सबको पता है, खगोलीय दूरी की। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला सवाल है, प्राश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला सवाल है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, और पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी थी। अगला सवाल है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल है। काठमांडू नेपाल में है। अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 22 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। अगला सवाल है, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला सवाल है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है।
अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगला सवाल है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला सवाल है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और उस वक्त के तत्काल जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो थे उस टाइम के तत्कालिक गवर्नर। अगला सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा थे, जनरल के एम करियप्पा। अगला सवाल है, लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। अगला सवाल है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या आप इसको 46 कह सकते हैं, लेकिन 23 जोड़े होते हैं और संख्या में ये 46 होते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में लगता है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 mm, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो कि खानपुर कलां सोनीपत में है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो वो भारतीय कौन? अनिल कुंबले, जो कि स्पिनर थे। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं।
अगला सवाल है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला सवाल है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू किया गया। अगला सवाल है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। अगला सवाल है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होता है, 10 वर्ष बाद होता है। अगला सवाल है, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। अगला सवाल है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा वाले भाग को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला सवाल है, स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना रॉबर्ट बडेन पावेल ने की थी। रॉबर्ट बडेन पावेल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर पता है आप सबको, प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक शब्द फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप सबको पता है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुए। अगला सवाल है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है। अगला सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आपके विनोबा भावे। अगला सवाल है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्डो द विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंची। अगला सवाल है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य कला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अगला सवाल है, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला सवाल है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 से फैलती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला सवाल है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू
शुरू किया था। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जो ट्रांस साइबेरिया साइबेरिया जो जगह है ये कहाँ पर है? रूस में है। तो यह किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है, भारत में जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अगला सवाल है, बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बोली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न पड़ी पीटी उषा को पुकारा जाता है। अगला सवाल है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब सवाल यहीं से सवाल बनता है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर को तो मनाते हैं, लेकिन किसके जन्मदिवस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम मनाते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपका अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। आप सबको याद होगा कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की थी इंडिया में। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। अगला सवाल है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंग पट्टनम थी, इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंग पट्टनम। अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरू हुआ था, ये सब आपको पता होगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्ला खान का संबंध शहनाई से है। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। अगला सवाल है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण विस्तार होता है एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, बाद में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया था?
पटना रख दिया था। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि पटना का नाम पटना किसने रखा, तो आप कह सकते हैं शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला सवाल है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नाइके थी। और श्रीमाओ भंडार नाइके कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म था वो चलाया था आपके अकबर ने। अगला सवाल है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की। अगला सवाल है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। लुई पाश्चर ने की। अगला सवाल है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिल्स जीवाणु के वजह से बनता है। अगला सवाल है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक। अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला सवाल है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला सवाल है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हेमिंग बर्ड। इसका आंसर आप सबको पता होगा, संसार का सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड है। अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला सवाल है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का पूर्ण विस्तार रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला सवाल है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत।
अगला सवाल है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री पर। अगला सवाल है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला सवाल है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अगला सवाल है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अगला सवाल है, गीता रस पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रस पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्य। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला सवाल है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। अगला सवाल है, डुरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मराक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोराक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला सवाल है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आपका आखिरी सवाल है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ऐसे जो जितने भी सवाल हैं ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।